कि कोई मंत्री अपने बेटे को मिथाइल गैस से भरे हुए सीवर में उतार दे, मैं 1 करोड़ रुपया भीख मांगकर सफाई कर्मचारियों की सैलरी से भीख मांगकर 1 करोड़ रुपया उसको दूंगा। जब गंदगी उठानी है तो वाल्मीकि समाज उठाएगा, और जब आइसक्रीम खानी है तो सब खाएंगे। मेरा खुद का बिल 26,000 है, कैसे क्या मान लूँ कि दिल्ली में बिजली माफ है। उस गुजरात के मेरे वाल्मीकि लड़के को केजरीवाल ने वो कांटे में मांस का टुकड़ा समझ के फंसा दिया ताकि वाल्मीकि वोट मेरे को मिल जाए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनता आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, और यहां पर जो मजदूर संघ आप देख रहे हैं ये कहां से चलकर आए अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं, क्योंकि अमृतसर से बता रहे हैं पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल मेहरोलिया है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, जो 26 राज्यों में हम आज की डेट में सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, उसका संस्थापक भी हूं और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। तो सर, ये सभी लोग जो हैं कहां कहां से आए हैं आप लोग? ये सभी लोग उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब से आए हैं। कुछ लोग मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। तो मुझे ये बताइए, अभी आपने यहाँ अमृतसर का लिखा हुआ है कि अमृतसर से चलकर आ रहे हैं पैदल यात्रा की, ऐसा क्यों, पैदल यात्रा क्यों करनी पड़ गई? पैदल यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि सरकार को कोई ध्यान आकर्षित करे। हमने ये डिसाइड किया कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक रास्ते में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोगों के निवास स्थान भी पड़ते हैं, वहाँ से किसी का ध्यान शायद इस बात की तरफ जाए कि तिरंगा झंडा लेकर ये 5 लोग पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं, कोई सवाल करे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि वाल्मीकि तीर्थ जो है अमृतसर में, वहाँ से इसको आरंभ करें। और वहाँ से आरंभ करने का जो निर्णय था वो ये था कि अधिकतर जो उत्तर भारत में हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, इन लोगों में सफाई कर्मचारी का जो काम है वो मोस्टली वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। तो इसलिए हमने वाल्मीकि तीर्थ को डिसाइड किया, और इसका समापन भी हमने वाल्मीकि प्रगटोत्सव दिवस, जो कल ही वाल्मीकि जयंती मनाई गई है लोगों ने, उस दिन हम इसका समापन करें। तो कल रविवार था इसलिए आज सोमवार को ये कार्यक्रम रखा। आज जंतर मंतर पर एकजुट होने का क्या मकसद है, क्या आपकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पर आपको इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जैसा मैंने बताया कि हम 26 राज्यों में काम करते हैं, तो मैं एज ए महामंत्री होने के नाते पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ। जो जहाँ मैंने देखा, तो पूरे भारत के जो मजदूरों की विश्लेषण का जो समस्याएं हैं उनको मैंने विश्लेषण किया उनका, और ये देखा कि केंद्र सरकार से कौन सी डिमांड ऐसी है जो ज़्यादा प्रदेशों में उठ रही है, उनका हमने एक 10 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है, जो आज हम अमित शाह जी जो गृहमंत्री हैं, माननीय गृहमंत्री भारत सरकार, उनको हम वो मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। मांग पत्र में आपकी क्या क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ पर, मतलब मांग पत्र में हमने सबसे पहले जो मुद्दा उठ रहा है मजदूरों के बीच में, जो NPS लागू किया है वो बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है, या होगा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए होगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले फैमिली पेंशन स्कीम थी, वो रिटायर कर्मचारी जब तक सर्विस में रहता है तो वो सैलरी पाता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उसको मेडिकल की भी ज़रूरतें बढ़ती हैं, 60 साल के बाद उम्र दराज होने के बाद उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है, तो खाने पीने की भी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लोगों का, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, हम ये मान लें कि उसके जीवन का सहारा
और बुढ़ापे की लाठी था जिसको सरकार ने छीन लिया। तो पहली डिमांड हमारी यही है कि एनपीएस को ख़त्म करके ये बुढ़ापे की लाठी और उसकी रोजी रोटी रिटायरमेंट कर्मचारी की वो ना छीनी जाए, फैमिली पेंशन दोबारा से लागू की जाए। लेकिन सरकार तो अच्छाइयां बता रही है कि भाई और लोगों को भी मौका मिलेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे। देखिए फैमिली पेंशन को ये तो खैर जो जानकार हैं वही ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन फैमिली पेंशन में भी जो कंट्रीब्यूशन होता था वो एम्प्लॉयज की सैलरी से डिडक्शन होता था, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिलती है कर्मचारी को वो सरकार उस पर कोई एहसान नहीं करती है। वो ज़िंदगी भर जो कर्मचारी नौकरी करता है अपनी सैलरी में से उसका कुछ अंशदान कटता है, वो जमा होता है, वो पेंशन के रूप में उसको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो अभी जो कर्मचारियों की आपने मांगे बताई, तो कर्मचारियों के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है। हमेशा से जो है सरकारें आगे आती रही हैं, बोलती है कि बहुत कुछ उनके लिए नई योजनाएं लाए हैं, गुजारा भत्ते के लिए उनके हमेशा जो मतलब मजदूरी होती है वो मजदूरी उनको दी जाती है। हाँ, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपके आद सम्मानित चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सीवर में जो कर्मचारी की मृत्यु होती है, दर्दनाक मृत्यु होती है, उसका बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने एक जजमेंट दिया कि अगर मृत्यु सीवर में होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उस समय सीवर कर्मचारी की मृत्यु की जो वैल्यू थी, उसकी जो लाइफ की वैल्यू कोर्ट ने डिसाइड की 10 लाख रुपए। ये सालों पहले की बात है, तकरीबन 20 साल पहले डिसाइड किया था ये। आज की डेट में जब हर कर्मचारी का डीए बढ़ रहा है, तो क्या वो 10 लाख रुपए 20 साल पहले जो डिसाइड किया था वो आज तक रहना चाहिए? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल सीवर क्लीनिंग को बैन किया है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि परसों ही फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में सीवर साफ करते हुए पहले एक कर्मचारी घुसा, उसकी डेथ हुई, फिर उसको बचाने दूसरा घुसा, वो भी गया, तीसरा गया, फिर चार, एक साथ चार चार मौतें एक साथ एक गटर में हो जाती हैं और हज़ारों की संख्या में ये आंकड़ा है। उसकी कीमत सरकार 10 लाख रुपये लगा रही है। कीमत तो दे रही है ना, 10 लाख रुपये। मैं कहता हूँ कि कोई मंत्री अपने बेटे को मिथाइल गैस से भरे हुए सीवर में उतार दे, मैं 1 करोड़ रुपया भीख मांगकर सफाई कर्मचारियों की सैलरी से भीख मांगकर 1 करोड़ रुपया उसको दूंगा। तो मंत्री के बेटे हैं वो थोड़ी सीवर में उतरेंगे, वो तो विदेशों में पढ़ने जाएंगे। तो क्या सफाई कर्मचारी, ये कौन से संविधान में लिखा है कि सफाई कर्मचारी ही मौत का शिकार होगा? क्योंकि उनका कार्य यही है, काम करना है, उनका कार्य यही है, दलित शोषित का कार्य यही है, जो वाल्मीकि समाज है उसका कार्य है ये सफाई करना। मैं आपको बता दूं कि ये जो मनुवादी सोच है इसको चेंज करना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज में जज भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, IPS भी हैं, IAS भी हैं। ये किसे कह दिया कि सफाई का काम करना वाल्मीकि समाज का काम है? आई एम नॉट एग्री। लेकिन जो कहते हैं, सरकार कहती है, सरकार में बैठे सत्ता में बैठे लोग कहते हैं, वो उनका क्या है? सरकार अगर ये कहती है कि वाल्मीकि समाज का ही काम है, तो आपको मैं स्टेट वाइज ले चलूं तो आपकी जो न्यूज है बहुत लंबी हो जाएगी। राजस्थान में 2018 में तकरीबन 40,000 से 50,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई, उसमें नॉन वाल्मीकि लोग ज़्यादा भर्ती हुए। उनको सबको हटाओ, फिर वाल्मीकि समाज के लोगों को चांस दो। मतलब जब गंदगी उठानी है तो वाल्मीकि समाज उठाएगा, और जब आइसक्रीम खानी है तो सब खाएंगे। सैनिटेशन वर्क चल रहा है। दिल्ली की बात करें हम, 200 सीवर साफ करने की गाड़ियां आई, उसमें ये कहा गया कि जो सीवर में डेथ हो गई है जिनकी, उनके बच्चे
या वाल्मीकि समाज के जो बच्चे ड्राइविंग करना जानते हैं उनको ये आसान किस्तों पर ये गाड़ियाँ दी जाएंगी और उनकी पेमेंट जो है दिल्ली जल बोर्ड करेगा। 200 गाड़ियाँ थी उसमें दिल्ली सरकार ने पूरा घोटाला किया। 200 में से 5 वाल्मीकियों को वो गाड़ियाँ मिली, बाकी सारी बंदरबाट दूसरे लोगों को दी गई वो गाड़ियाँ। तो दिल्ली सरकार घोटाला कर रही है? बिल्कुल घोटाला कर रही है। इतना काम कर रही है इसी मजदूर संघ के लिए? सरकार ने तो इतना घोटाला कर दिया कि मैं बताता बताता परेशान हो जाऊंगा आपको। मेरा खुद का बिल 26,000 है, कैसे क्या मान लू कि दिल्ली में बिजली माफ है? मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, आज ही 26,000 का बिल भरा है, जबकि 50 गज के मकान में कितना यूज कर लूंगा सरकार में। 50 गज के मकान में रहता हूँ मैं। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिजली का बिल ही नहीं आता। झूठा केजरीवाल, एक नंबर का झूठा। गुजरात में भी वो एक नंबर झूठा। एक बात बताऊँ मैं आपको, गुजरात की बात कर रहे हैं आप, ये मैसेज भेज देना आप गुजरात में जो मैं बताने जा रहा हूँ। केजरीवाल जी की एक मीटिंग हो रही थी, उसमें एक वाल्मीकि समाज के लड़के ने कहा, जी मैं वाल्मीकि समाज का लड़का हूँ, क्या आप मेरे घर खाना खाने आओगे? कितनी सफाई से केजरीवाल उस बात को टाल गए कि आपके घर की बात तो बाद में देखेंगे, पहले आप अब मेरे घर पे आइए खाना खाने। उनको हवाई जहाज का टिकट भेजा 5 लोगों का, पूरा 5 परिवार का। यानी उसने क्या किया, गुजरात में वाल्मीकि समाज का वोट हथियाने के लिए। आपने कभी मछली पकड़ने वाला कांटा देखा है? जब वो कांटा फेंकते हैं ना तो उसमें कोई मांस का टुकड़ा लगाना पड़ता है ताकि मछली आकर्षित होकर उसमें फंसे। उस गुजरात के मेरे वाल्मीकि लड़के को केजरीवाल ने वो कांटे में मांस का टुकड़ा समझ के फंसा दिया ताकि वाल्मीकि वोट मेरे को मिल जाए। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ केजरीवाल जी को। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपये का भी सदस्य नहीं हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मैं संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मेरी पूरी टीम गुजरात में अपने खर्चे से जाएगी, हमें अमित शाह जी कहें, मोदी जी कहें, ना कहें, वहाँ के जो प्रभारी है आई डोंट नो, हम जानते नहीं कौन है, लेकिन गुजरात के एक एक वाल्मीकि को हम जाकर बताएंगे कि दिल्ली का जो हाल केजरीवाल ने किया है ना, एक के साथ एक फ्री। मेरी माता बहनों से पूछो क्या हालत हुई है, रिक्शे वालों से पूछो, 50 रुपये का पौआ, 100 रुपये कमाता, 50 का पौआ पी के लेट गया, काम ही नहीं किया, ये भी खा लेता, ये भी खा लेता। हमें पता है पिछले इलेक्शन में हम एक वाल्मीकि का टिकट मांगने गए थे MP के लिए, और एक संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ नहीं, पूरी दिल्ली के वाल्मीकि संगठनों के लोग महापंचायत बनाकर केजरीवाल जी के पास गए थे, और केजरीवाल जी घर में थे, एक टिकट मांग रहे थे। हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे, किसी के लिए नहीं मांग रहे। हमने कहा आपकी आम आदमी पार्टी में वाल्मीकि समाज का जो अच्छा आदमी है आप उसको सांसद का टिकट दे दो उत्तर पश्चिमी से। यही बात उस टाइम हमने कांग्रेस पार्टी को भी कही और इनको BJP वालों को भी कही, लेकिन केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज के साथ गद्दारी की, अंदर रहते हुए भी वाल्मीकि लोगों से मिलने से मना कर दिया। उन्हें कहा गोपाल राय जी से मिल लो, और उन्होंने पता है क्या कहा कि हम किसी को कमिटमेंट कर चुके हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद लड़ाने का, फिर हमने ये डिसाइड लिया था कि आम आदमी पार्टी के सांसद को किसी कीमत पे जीतने नहीं देंगे, चाहे हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना पड़े, और हंसराज हंस को हमने जिताया था, पूछ लेना हंसराज हंस जी से। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आप ही लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहता है? भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हाथ नहीं रहता, हम देखते हैं समय की नजाकत, समय क्या करेगा। 70 सालों में दिल्ली की एक आरक्षित सीट है, पहले करोलबाग होती थी, अब उत्तर पश्चिमी है। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, आप मुझे राजनीति की तरफ ना डाइवर्ट करें। एक सीट करोलबाग की होती थी, आज तक की कभी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली हुई, कभी ना BJP ने, ना कांग्रेस ने, ना आम आदमी पार्टी ने कभी वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया। जब हमने डिमांड की कि वी वांट वाल्मीकि कैंडिडेट, तो खलबली मची। कांग्रेस ने
हमारे समाज के कांग्रेसी नेता राजेश लिलोठिया भाई को उम्मीदवार बनाया, फिर बीजेपी में खलबली। हम तो ऐसा काम करते हैं, हम काम ही ऐसा कर देते हैं सोच सरकार सोचने पे मजबूर हो जाए। अभी सर ये फिर भारतीय जनता पार्टी वालों ने सोचा कि अब ये कांग्रेस ने वाल्मीकि को उतार दिया तो हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने हंसराज हंस जी जो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष थे उनका रिजाइन कराया और वहाँ से उनको इलेक्शन लड़ाया। फिर वाल्मीकियों ने कंपेरिजन करके देखा दोनों में, कांग्रेस में और बीजेपी में, हमने देखा सारे मिलके वाल्मीकि कांग्रेस को वोट देते हैं फिर भी कांग्रेस का कैंडिडेट दो नंबर पर रहेगा, तो इसलिए जो विन हो रहा है उसकी विन को बढ़ा दो। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। गौतम जी के डिपार्टमेंट बता देता हूँ मैं आपको, इनके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, नहीं था, अब तो रिजाइन कर दिया ना, अनुसूचित दिल्ली अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसा देती है 4% पे एनुअल और वो बेनिफिशियर को 6% पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब वो एपेक्स कमेटियाँ जो हैं, एक एससी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो पूरे हिंदुस्तान को पैसा देता है एससी के लिए, एक नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस कॉरपोरेशन है एनएसकेएफडीसी जिसको बोलते हैं, 300 करोड़ रुपए का बजट होता है उनका। दिल्ली में आप उस डिपार्टमेंट से जाकर पूछिए, अंबेडकर भवन में, एड्रेस भी दे देता हूँ मैं, सेक्टर 16 में अंबेडकर भवन में उनका कार्यालय है, उनको ये पूछ लिए कि जब से राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली के मंत्री बने हैं कितने सफाई कर्मचारियों के बच्चों को उन्होंने लोन प्रोवाइड कराया है। उनके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं हमारे को पता ही नहीं, हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जबकि पिछले साल की बात बता दूं, 9 करोड़ रुपया एनएसकेएफडीसी ने इनको भेजा और वो एक साल तक 9 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के उस एससी डिपार्टमेंट के अकाउंट में पड़ा रहा। लास्ट साल के एंडिंग में वो पैसा दो लाइनें लिखकर वापस कर दिया गया, जबकि एक साल तक उसका 9 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट लिए खाते रहे और 9 करोड़ रुपया इस रिमार्क के साथ वापस किया कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे हमारे पास लोन लेने के लिए आते ही नहीं। तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे हम, ये सरकार हमारी है। पहले इलेक्शन में कहा था, मैंने खुद स्वागत किया था, अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पे है, इसी बैनर पर अरविंद जी का स्वागत किया था हमने जब वो नीले रंग की वैगन आर में आते थे, उसमें आए थे, हमने बड़ा ज़बरदस्त स्वागत किया, प्रतीक चिन्ह झाड़ू भी देकर सम्मानित किया उनको। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में से ठेकेदारी को सबसे पहले ख़त्म करूँगा, हो गई नहीं हुई ना। तो झाड़ू का चिन्ह लेके झाड़ू से ही आप लोगों को साफ कर दिया, झाड़ू लेके हमारी झाड़ू हमें ही पहना दी। और वाल्मीकि समाज इतना भोला भाला, आपने सुना है ना वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में भी, रामायण कहता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम तो जिस पे भरोसा कर लेते हैं उसको अपना बना लेते हैं, जिस पर विश्वास करिए। वाल्मीकि मंदिर पर सबसे पहले आए वो पचकुआ रोड पर, उन्होंने कहा भाई ये जितने वाल्मीकि समाज के जो फ्लैट हैं इनका मालिकाना अधिकार दिलाऊंगा। लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दूंगा, कोई आदमी कच्चा नहीं रहेगा, सबको परमानेंट कर दूंगा। सही मायनों में जो कॉरपोरेशन 3 हुई थी वो शीला दीक्षित जी की देन थी। और इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आ गई, कॉरपोरेशन में, नगर निगम में, इन्होंने फंड रोकना शुरू कर दिया। मंशा क्या थी कोई नहीं पकड़ पाया इस बात को। मंशा ये थी कि इनको पैसे नहीं मिलेंगे, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, कर्मचारी परेशान हो जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे और मेरे को वोट देंगे, या निगम नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को काउंसलरों को ले आएंगे, ये पॉलिसी साजिश थी। अब वो अमित शाह जी ने समझ लिया, उन्होंने उसका पत्ता ही साफ कर दिया, नगर निगम से जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो गया, तीनों कॉरपोरेशनों को एक कर दिया। आप देखिए 4-4 महीने का बैकलॉग चलता था, अभी 1 महीने की सैलरी पेंडिंग है सिर्फ, कवर हुआ।
लेकिन सफाई कर्मचारी को जो सबसे पहले ठेके पे जो वो लाए थे स्कीम, वो तो अटल बिहारी जी लाए थे 2004। शायद आपको पूरा नहीं पता, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन लागू किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, प्रस्ताव पास हुआ था पार्लियामेंट में, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन रूल 1970 में क्या लिखा है, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क को आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दे सकते, उसने एबोलिश किया है, कानून मना कर रहा है। उसके बावजूद भी सरकार, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ, और प्रस्ताव पास होने के बाद उसमें ये कहा कि माइनर मेंटेनेंस ठेके पे दिया जा सकता है। अब रेलवे में जितने भी ठेके चल रहे हैं, कभी भी क्लियर हो के सफाई का काम ठेके पे दे रहे हैं, देने का टेंडर नहीं होता है, माइनर मेंटेनेंस का होता है। माइनर मेंटेनेंस में कोई भी ठेका ले सकता है, और उनसे वो प्लेटफार्म साफ कराए जाते हैं, यार्ड साफ कराए जाते हैं, स्टेशन साफ कराए जाते हैं, टॉयलेट साफ कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर सफाई कर्मचारी को, हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारियों को तो जस्टिस मिल नहीं रहा। उसका मुख्य कारण ये है, जब आप मुझे राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं तो मैं मेन कारण बता दूं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का, चाहे वो MLA हो चाहे वो सांसद हो, अपने आकाओं को वहाँ जा कर के ये बताता है कि मैं वाल्मीकि समाज का नेता हूँ, मैं दलित नेता हूँ, मैं महादलित नेता हूँ। आज तक किसी भी पार्टी के नेताओं ने अपने आकाओं को ये नहीं कहा कि मैं उन लोगों का नेता हूँ जो सर पर टट्टी उठाने का, मैला ढोने का काम करते हैं, मैं उन लोगों का नेता हूँ जो सुबह गटर में उठकर गटर की सफाई करते हैं, मैं उन लोगों का नेता हूँ जो सड़क पर झाड़ू मारते हैं। इसलिए पार्लियामेंट में इन कर्मचारियों की कहने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे राजपाल महरोलिया जी, जो यहाँ पर ये आप देख रहे थे, जो भीड़ यहाँ पर लगी थी, जो जिस तरीके का यहाँ प्रोग्राम किया गया था मांग पत्र को लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के द्वारा यहाँ पर जो है अपनी मांगों के लिए यहाँ पर ये लोग आए थे, हक अधिकारों की बात कर रहे थे। जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा से छल करते हुए आए हैं, हमेशा से नेता लोग जो इनके साथ एक गेम खेलते हुए आए हैं, वो वही यहाँ पे सच है कि किस तरीके से मैला ढोने वाले लोग जो है उनका वोट बटोर कर नेता लोग तो अपनी कुर्सियां और सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए सोचने वाला कौन होता है। लगातार जिस तरीके से इनके साथ अन्याय होता है, जिस तरीके से ये लोग गटरों में उतरते हैं, उसके लिए मशीनें जो सिर्फ नाम मात्र के लिए आती हैं, लेकिन उसके बाद जो मरने के रकम तय कर दी जाती है, तो वो उसका हर्जाना आखिर कौन देगा। जो एक परिवार का सदस्य चला जाता है, उसका मुखिया चला जाता है, तो उसके बाद उसको संभालने वाला कौन होता है। तो ये इनकी समस्याएं हैं, उसी को लेकर ये पेंशन योजना को लेकर भी जो है यहाँ पर इनका मेमोरेंडम जाने वाला है, अभी उन्होंने बताया, तो उसी के लिए यहाँ पर ये लोग एकजुट हुए थे और पद यात्रा करते हुए यहाँ पर आए थे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, जंतर मंतर।